इसलिए हमारा डिस्कस नहीं हुआ था, व्हेन डेट इज नॉट गिवन तो हमने कर लिया था, व्हेन डेट व्हेन ड्रॉइंग्स आर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड इंटरवल वो भी कर लिया था, लेकिन अगर अनइक्वल अमाउंट्स हो, अनइक्वल ड्रॉइंग्स और इरेगुलर इंटरवल्स हो तब क्या करेंगे? इन दैट केस आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेट वाइज, आपने डेट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिस डेट को ड्रॉइंग हुई है टिल एंड ऑफ द ईयर उस पर कितना इंटरेस्ट लगना है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं टी एस गिरेवाल से एंड वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है? ये मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, आई थिंक वो लास्ट क्लास के भी क्वेश्चन आप लोगों को शो नहीं हो रहे थे, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करो जिन्होंने नहीं करी हुई, और अपने बैच के अंदर जाके स्टडी मटेरियल में आपको वो दिख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राम एंड मोहन आर टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 120 एंड 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग, 1,20,000 और 80,000 निकाले, कब निकाले ये नहीं गिवेन, तो व्हेन डेट इज नॉट गिवेन तो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम राम का निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स ले लो, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 कर देना, ठीक है? आधे पीरियड का हम इंटरेस्ट लगाते हैं, कह सकते हैं आधा इंटरेस्ट ही लेंगे हम उनसे, तो ये हो जाएगा 3,600। ऐसे ही मोहन का, मोहन ने कितना पैसा निकाला? 80,000, तो 80,000 का 6% और इसका आधा कर देना, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, पूरे साल की ड्रॉइंग इकट्ठी दी हुई है, 2,400, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ साथ आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्रीज करना भी सीख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्रीज कैसे होंगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनसे इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 3,600 हमने इससे चार्ज करा, 2,400 इससे, और टोटल हो गया हमारा कितना? 6,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 6,000, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट इज ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000, 48,000 और 36,000 इन्होंने विड्रॉ करे हैं रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवेनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेनली? इवेनली मतलब बराबर बराबर हर महीने के बीच में उन्होंने टोटल, याद रहे, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इतना पैसा निकाला है और हर महीने बराबर बराबर करके निकाला है, मतलब हर महीने अगर आप 48,000 को 12 महीनों में बांटो तो 4,000 आ जाएगा, और 36,000 को बांटोगे तो 3,000 आ जाएगा। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ निकलेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने निकालना है, ब्रिज, ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स हम लेते हैं। अच्छा, मिडल ऑफ मंथ में कौन सा पीरियड लेते हैं? अगर भूल जाओ तो भी मैं तरीका बताता हूँ, वैसे तो 6/12 लेते हैं। देखिए अगर भूल जाओ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन फेब, मार्च, ठीक है? पहला महीना अप्रैल, 15 अप्रैल को पैसा निकाला, आखिरी महीना मार्च, 15 मार्च को पैसा निकाला। पहले महीने पे लगेगा 11.5 महीने का ब्याज, आखिरी महीने पे लगेगा 0.5, दोनों का मीडियन ले लो, 11.5 डिवाइड प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 मंथ्स। अगर भूल जाओ तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? और अगर ये भी याद ना रहे तो आप डेट वाइज निकाल लो, फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब 48,000 पूरे साल की ड्रॉइंग्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड ये हो जाएगा 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी कितना आ जाएगा? 2,400 रुपये। ऐसे ही मोहन का, मोहन की ड्रॉइंग से 36,000, 10% 6/12 इसका भी, तो ये आ जाएगा 1,800 रुपये, ठीक है? तो 2,400 और 1,800 हमारा आंसर आ गया। इसी बात पे
आपने क्वेश्चन नंबर 30 करके दिखाना है, फटाफट 30 कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। देखिए इसको थोड़ा नया क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर। इसने सिर्फ 6 महीने पैसे निकाले हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। याद रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 महीने के लिए ही निकालना है हमने, ठीक है। अनवी फास्ट हो गई आजकल, क्या बात अनवी, तुम्हारे लिए चॉकलेट ड्यू रही। जब भी हम मिलेंगे, नहीं मिले तो मैं तुम्हें कोरियर करवा दूंगा। हाँ जी इसका आंसर भी आ गया मेरे पास। चलिए जी, ए और बी, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 4,000 निकाल रहा है हर साल, इसने ये नहीं बोला पूरे साल में इतना निकाल, इसने बोला हर साल इतना, हर महीने इतना निकालता है। 6 महीने तक इसने पैसे निकाले, तो इसकी टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 24,000, ठीक है। इनटू हम रेट लेते हैं, और पीरियड क्या लेते हैं इसके अंदर, पीरियड क्या लेते हैं, कौन सा केस है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम लेते हैं 3.5/12, अगर आपको याद हो तो, कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। बिगिनिंग कब हुई, 1 अप्रैल, और लास्ट ड्रॉइंग कब हुई, 1 सितंबर। इस पर लगेगा 6 महीने का इंटरेस्ट और इस पर लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट, दोनों के बीच का क्या गया, 6+1/2, 3.5। तो 3.5/12 कर लिया, रेट इज, रेट है 5%, 3.5/12। आप इसे सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर, 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5/12, तो ये हो जाएगा 2,100, 350, ठीक है। ये ए का आ गया, बी का भी आप निकालेंगे। अच्छा ए नहीं निकालिए, ए नहीं करिए ड्राइंग्स, बी ने नहीं करी, फटाफट 31 करिए, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 31, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 9,000 हर क्वार्टर के एंड पे, मतलब 4 बार निकाले तो 36,000 हो गए थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 31, नाम क्या पार्टनर का, छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलता है क्वार्टर वाले केस के अंदर, कैसे निकलता है याद है, क्वार्टर वाले केस के अंदर सर हो गया, रेट, सर हो गया, ठीक है। एंड ऑफ क्वार्टर का केस क्या है, 4.5/12, ठीक है। तो 9,000 निकाला, 4 बार निकाला साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 4.5/12, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाइए फटाफट।